हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल नर्सरी टू वर्सिटी पे स्वागत करता हूँ। अपन एक्सरसाइज 3 कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरेटिकल पार्ट कर चुके हैं, आज एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो अब अपना बुक और पेन लेके बैठ जाइए बच्चे, अपनी बुक जो भी राजस्थान बोर्ड के आपके हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम की बुक ले लीजिए, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम की बुक लेके बैठ जाइए। वैसे क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो बोर्ड से क्वेश्चन नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन एक बार नोट कर ले, फिर आगे अपन सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ओके, करें कंटिन्यू बच्चे। चलिए देखें, अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट जरूर देखें, थ्योरी नहीं पता होगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, बाकी आसान है, चैप्टर बहुत आसान है ये। देखिए पहला क्वेश्चन का, मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन, आपको मैट्रिक्स बी गिवन है, देन फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। दो मैट्रिक्स एडिशन करना है, ए प्लस बी करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। तो आपको बताया गया थ्योरेटिकल पार्ट में, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, और सब्ट्रैक्शन में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। देख कर दीजिए ऐसा ही। तो फर्स्ट का सोल्यूशन है बच्चे, है ना, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3, 2, 1, 1 माइनस 4, 7, ये मैट्रिक्स ए आपकी, प्लस मैट्रिक्स बी 3, 5 माइनस 2, -1, 4 माइनस 2। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे देखिए आंसर आपका -3 प्लस 3, 0। डाइट कर दें या ऐसे लिखूँ, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3, 0 हो जाएगा। चलो लिख देते एक बार, 2 प्लस 1, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1, -4 प्लस 4, -4 प्लस 4, 7 माइनस 2, 7 प्लस माइनस 2। देखिए इसका सॉल्यूशन, अब 3 माइनस 3, 0, ये 7 माइनस 1, ये 0, 0 और 5। ठीक है, समझ में आया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए, -3, 3, 0 हो गया आपका, -3 प्लस 3, 0, 2 प्लस 5, 7, 1 माइनस 2, -1, 1 माइनस 1, 0, -4 प्लस 4, 0 और 5, 7 माइनस 2, 5। ठीक है, ऐसे आपका सब्ट्रैक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अब करना है सब्ट्रैक्शन, तो बच्चे बीच में क्या, माइनस मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी, तो -3 माइनस 3, फिर 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, तो बच्चे माइनस, जहाँ जहाँ भी प्लस है वो माइनस आ जाएगा। फिर ये 1 माइनस ऑफ -2, ये देखना, 1 माइनस ऑफ -2, 1 माइनस ऑफ -2, ऐसे 1 माइनस ऑफ -1, जहाँ भी एडिशन है वहाँ माइनस साइन, -4 माइनस 4 और 7 माइनस ऑफ -2। देखने का आंसर क्या होगा, -3 ऑफ -3, -6, 2 माइनस 5, -3, 1 माइनस 2 एंड प्लस, ये 1 प्लस 2 हो जाएगा तो 3 बन जाएगा बच्चे, 1 माइनस 1 तो +2 हो गया, -1 माइनस 1, 2 एडिशन हो जाएगा, -4 माइनस 8, 7 प्लस 2, 9 हो जाएगा। तो ये आएगा ए माइनस बी, ये आपका मैट्रिक्स ए माइनस बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, मैट्रिक्स एंड बी, दोनों मैट्रिक्स है, एडिशन गिवन है और सब्ट्रैक्शन गिवन है, हमें मैट्रिक्स पूछ लिया गया, इसमें एडिशन करवाया और सब्ट्रैक्शन करवाया था इस पहले क्वेश्चन में, इसमें एडिशन गिवन भी है सब्ट्रैक्शन भी गिवन है और मैट्रिक्स पूछे गए, उल्टा काम हमसे करवाया आपसे। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आपने 9th, 10th में क्वेश्चन किए होंगे ऐसे, अगर x प्लस वाई की वैल्यू मान लीजिए 7 बच्चे, और x माइनस वाई की वैल्यू मान लीजिए 2 है या 3 है,
x plus y equal to 7 है, x minus y equal to 3, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, एक बार एडिशन का रखा, सब्ट्रैक्शन का रखा। अगर मैं पूछूं तो ये x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर दोनों समीकरण ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन ऐड कर दें, तो x जब एडिशन करेंगे तो रहेगा 2x, y तो कैंसिल आउट, इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या नहीं है, 1/2 × 10, है ना। ऐसे जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x कैंसिल आउट, तो आ जाओ 1/2 सॉरी 7 − 3 = 4, तो 1/2 of 4। तो यही अप्लाई, यही अप्रोच यहाँ अप्लाई करनी है आपको, दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखा है आपको। एडिशन क्या है, a प्लस बी की वैल्यू −7 + 0 2 − 5, इनका एडिशन गिवन है और सब्ट्रैक्शन। तो इस इक्वेशन को एक बार ऐड कर दें, a प्लस बी में a माइनस बी ऐड कर दो, तो ये पास क्या आना देखिए रिजल्ट, −7 = 0 2 − 5 + 3 = 2 − 2 0 = 3 a प्लस बी ए माइनस बी, इनको ऐड कर दिया आपने, तो b कैंसिल आउट, तो 2b की वैल्यू क्या देख पास, −7 + 3 माइनस का 4, 2 + −2 −2, 2 + 0 2, −5 + 3 −2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो सॉरी मैट्रिक्स ए आएगा, ये जब ऐड किया तो बी कट गया 2a, तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/2 −4 −2 2 − 2, 2 से डिवाइड करने पे माइनस का 2 आया, −1 1 और −1, ये मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, इसमें डिवाइड किया आपने 2 का, तो −2 आ गया, −1 1 और −1, ठीक है। मैट्रिक्स ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो मैट्रिक्स बी आ जाएगा, देखो उसको निकाल देते हैं, मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालने के लिए, और ये आप वीडियो को पॉज करें, आप पहले नोट कर लिया करें अच्छे से, ठीक है, या कोई बात समझ नहीं तो वीडियो को वापस बैक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू, मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या जाना है, −7 = 0 2 − 5 और माइनस ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए माइनस कर देनी है, मैट्रिक्स ए आपने कितनी आगे पास किया, रखो इसमें वैल्यूज, तो मैट्रिक्स बी इक्वल टू −7 = 0 2 − 5 माइनस मैट्रिक्स ए, तो −2 − 1 1 − 1, रिजल्ट देखिए इसका, −7 −7 − 2 तो बच्चे −7 + 2 0 − 0 − 1 + 1 हो जाएगा, 2 − 1 = 1 −5 − + 1 तो −4 और ये क्या है, −5, ये मैट्रिक्स बी आ गया प्लस, तो ये मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स ए ये है आपके पास, तो इनको ऐड करो, −7 आ जाएगा, −0 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, −1 और −4 −5 आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3, इफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी देन फाइंड द मैट्रिक्स सी वेयर ए प्लस 2b + c इक्वल टू 0 या ओ, ओ इज 0 मैट्रिक्स, इक्वल टू क्या है, ओ है, और इस ओ को 0 मैट्रिक्स चाहिए, आप इक्वल टू 0 कह सकते हैं, ठीक है। हमें ए मैट्रिक्स को में ट्वाइस ओ बी ऐड करना, प्लस सी करना 0 है, देखना ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यहाँ से सी कह सकते हो आप ओ माइनस ए प्लस 2b या 0 माइनस ए माइनस का 2b, तो मैट्रिक्स सी इक्वल टू −a − 2b, वैल्यू पुट कर दीजिए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ कर देता हूँ मैं, देखो मैट्रिक्स ए 1 3 2 1 3 − 1 फिर −2 × अच्छा माइनस साइन आएगा इसके ऊपर माइनस ए, फिर −2b और b की वैल्यू कितनी है 2 1 1 2 − 1 0, अब सिंप्लीफाई करना है, या तो नेगेटिव साइन पहले मल्टीप्लाई कर लो आप,
लिखा माइनस वन माइनस थ्री, माइनस टू माइनस वन, माइनस थ्री वन, माइनस टू से मैंने मल्टी किया फोर टू टू फोर माइनस टू ज़ीरो, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको आप लोग, तो माइनस ओ माइनस फोर माइनस का फाइव, माइनस थ्री माइनस का टू माइनस का फाइव, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस थ्री माइनस प्लस टू हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस वन, वन माइनस ज़ीरो तो वन, ये आपका क्या मैट्रिक्स सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर फोर, स्क्वायर माइनस टू बी, ए स्क्वायर का मीनिंग क्या मतलब है, ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू ए, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री ए इंटू ए माइनस टू इंटू ए, वैल्यू पुट कर दीजिए, थ्री मैट्रिक्स ए टू माइनस वन थ्री टू, मैट्रिक्स ए टू माइनस वन थ्री टू, माइनस टू इंटू मैट्रिक्स बी जीरो फोर माइनस वन सेवन, आप ए स्क्वायर अलग से भी फाइंड कर सकते हैं, फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं, या आप दोनों एक साथ भी, एक की दिक्कत ना, मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना आप, तो थ्री इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो टू इंटू टू फोर, माइनस वन इंटू थ्री तो माइनस थ्री, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस टू माइनस वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो थ्री इंटू सिक्स टू इंटू सिक्स, माइनस थ्री प्लस टू फोर, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस थ्री टू टू जा फोर, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जीरो एट माइनस का टू और फोर्टीन, थ्री से बंदे मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिया थ्री इंटू लिया वन माइनस थ्री ट्वेल्व और प्लस वन, माइनस में जीरो एट और माइनस टू फोर्टीन, रिजल्ट देखिए, ये लिखा हुआ थ्री, थ्री प्लस जीरो तो थ्री आ गया, ये थ्री मल्टी माइनस का नाइन, माइनस नाइन और माइनस का एट माइनस सेवनटीन, थर्टी सिक्स ट्वेल्व थ्री जर थर्टी सिक्स माइनस टू थर्टी फोर, थ्री माइनस फोर्टीन तो माइनस का इलेवन, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया आपने, थ्री ए स्क्वायर थ्री इंटू ए माइनस का टू बी, ए इंटू ए आ गया माइनस का टू बी आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी देन सो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हमें ए बी फाइंड करना है और बी ए भी फाइंड करना है, और ये चेक करना है दोनों इक्वल है नहीं है। ठीक है देखिए, तो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स है क्या जीरो वन टू थ्री, मैट्रिक्स ए जीरो वन टू थ्री थ्री टू वन जीरो, एंड मैट्रिक्स बी क्या है जीरो वन टू थ्री थ्री टू वन जीरो, तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे क्रॉस बॉन्डिंग अवयव, जीरो को जीरो से, वन को वन से, टू टू से, थ्री थ्री से, तो जीरो प्लस वन इंटू वन वन, टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू थ्री नाइन, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जीरो को थ्री से, वन को टू से, तो जीरो वन इंटू टू टू, टू इंटू वन टू प्लस जीरो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो जीरो टू, जीरो प्लस टू प्लस टू प्लस जीरो, नाइन प्लस फोर प्लस वन प्लस जीरो। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए जो आगे बनेगी नाइन फोर थर्टीन प्लस फोर्टीन, और ये फोर
4 एंड 14, ये आपका है ए इंटू बी, मैट्रिक्स ए इंटू बी आ गया। ऐसे आप क्या फाइंड करना है, बी इंटू ए, बी इंटू ए, तो मैट्रिक्स बी क्या आपकी 0 1 2 3, ये 3 2 1 0, मैट्रिक्स ए समझना आप लोग, मैट्रिक्स ए 0 1 2 3, 3 2 1 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए बी इंटू ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 0 इंटू 3, तो 0 प्लस 9, 0 इंटू 0 3 प्लस 3 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 प्लस 6, चल लिख देता हूँ यहाँ पर ना, ये 0 प्लस 9, 0 प्लस 6, 0 प्लस 3, और इसको 0 प्लस 0, सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से अगर 0 प्लस 6, 1 प्लस 4, 2 प्लस 2, 3 प्लस 0, ये 2 इंटू 1 2 0 प्लस 3, 2 प्लस 2, इसको सेकंड से 2 प्लस 2, 4 प्लस 1, और आपका 6 प्लस 0, थर्ड फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम से तो 0 प्लस 0, 3 प्लस 0, 6 प्लस 0 एंड 9 प्लस 0, तो देखिए ये इसका ऑर्डर क्या है 4 बाई 2, इसका ऑर्डर 2 बाई 4, तो इसमें नंबर ऑफ पंक्तियाँ इसमें स्तंभों की संख्या बराबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा 4 बाई 4 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए बस, अगर मैं यहीं पर लिख दूँ इसको b इंटू ए, बी इंटू ए पर ध्यान रखना, बी इंटू ए थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, 9 6 3 0 6 5 4 3 3 4 5 6 0, और ये 0 3 6 9, ठीक है। तो क्या a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल आया, a इंटू बी तो क्या 2 बाई 2 ऑर्डर का मिल गया आपको, 2 बाई 2 क्या है इसका ऑर्डर 2 बाई 4 है, और ये क्या 4 बाई 2, तो इसमें रो कॉलम और रो क्या है इक्वल है, तो 2 बाई 2 ऑर्डर आ गया पास, इसमें 4 बाई 4 ऑर्डर का है तो इक्वल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस 0 0 0 1, एफ ऑफ हमें प्रूव करना है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए बच्चे, हमें जो आपकी बार मैट्रिक्स है वो फंक्शन की फॉर्मेट दे रखी है, किसकी फॉर्मेट है फंक्शन की फॉर्मेट, जैसे मैं कहूँ एक फंक्शन है एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आपसे बच्चे पूछ लूँ बताइए एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर आपने एक्स बराबर 2 पुट कर दिया इसमें, फंक्शन में जहाँ जहाँ भी एक्स आया वहाँ क्या रख दिया आपने 2, तो रख दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा 6। ऐसे पूछ लो एफ ऑफ 3, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ भी एक्स आया वहाँ क्या पुट कर दें 3 पुट कर दें, तो सेम कहानी यही है, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए मैं आपसे पूछूँ एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर कोस ए माइनस साइन ए, देखिए मैंने इस एक्स की जगह पे ए पुट किया है, तो जहाँ जहाँ भी इस मैट्रिक्स में ए आया है एक्स आया है वहाँ ए पुट कर दीजिए, कोस ए साइन ए 0, साइन ए कोस ए 0 0 0, कोई डाउट इसमें, ठीक है। ऐसे मैं पूछूँ आपसे एफ ऑफ बी बताइए, तो आप कहेंगे सर आपने इस एक्स की जगह पे बी पुट किया है, तो आप एक्स की जगह पे बी पुट कर दीजिए, कोस बी साइन बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कोस बी 0 0 0 1, ठीक है। ऐसे आप एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू भी फाइंड कर लें, चलो इसको बाद में कर लेते हैं,
अब इनको इंटू करना है, कर दीजिए f ऑफ a इंटू f ऑफ bb फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो cos a माइनस साइन a जीरो, साइन a cos a जीरो 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 वन, cos b माइनस साइन b जीरो, साइन b cos b जीरो जीरो जीरो। ये एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये एफ ऑफ बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये ऊपर वाला पार्ट नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और जीरो को जीरो से तो प्लस जीरो। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, सॉरी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो कोस ए माइनस साइन बी, कोस ए माइनस साइन बी, माइनस साइन बी कोस बी, साइन ए कोस बी, प्लस जीरो। सेकंड को लास्ट वाले कॉलम से, फर्स्ट को लास्ट वाले से, तो ये जीरो, ये भी जीरो और ये जीरो, तो यहाँ आएगा जीरो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा होगा इसका ना, थोड़ी लाइनें ज़्यादा बनेंगी, अभी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, जीरो इंटू जीरो। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी, जीरो, और लास्ट वाले को से, तो जीरो जीरो जीरो। लास्ट रो को थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये जीरो जीरो और जीरो, तो ये भी जीरो, इससे करेंगे तो भी जीरो आपका, और लास्ट से करेंगे तो ये तो जीरो, ये भी जीरो, और ये वन इंटू वन वन, ठीक है। ये समझ में आया, नोट करते रहिए साथ साथ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ना आप। अब देखिए मैंने आपको जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अपनी नोटबुक के पहले पेज पर सारे नोट कर लेने हैं, अगर वो याद ना, बहुत अच्छी बात है, याद नहीं तो उनको डेली आप याद करिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो पूरी 12th क्लास में प्रॉब्लम आएगी आपको, इंटीग्रेशन डिफरेंस जब करेंगे तो वहाँ भी फॉर्मूले यूज होंगे, तो वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद रखिए। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला याद है किसका, ये फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला कोस ए माइनस बी का, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, सॉरी प्लस का ही, यहाँ माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो भी प्लस होता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, नेगेटिव, तो माइनस का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसको पार्ट ऑफ पहले इसको बाद में लिख दिया, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इसको लिखता हूँ माइनस ऑफ साइन, माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी, और ये जीरो। ऐसे साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, और यहाँ पर ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी, ये जीरो 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 वन। तो ये किसकी वैल्यू बैठ से, एफ ऑफ ए प्लस बी की,
ये किसका मान है एफ ऑफ ए, उस एक्स ए पे कौन आएगा ए प्लस बी, इसको मैं एफ ऑफ ए प्लस बी बोल सकता हूँ, यही आपको प्रूव करना है। देखिए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, हेंस प्रूव एस पे। समझ में आया था ना आपको?